यहाँ पर आए हुए सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ये मंच बहुत बड़ा है क्योंकि यहाँ बहुत बड़े बड़े लोग आए हुए हैं। तो सबसे पहले मैं सबको नमस्कार करता हूँ और अपनी माता हिंदी के बारे में दो लाइन कहता हूँ कि नमस्कार करने को मैं अपना शीश झुकाता हूँ, नमस्कार करने को मैं अपना शीश झुकाता हूँ, मैं हिंदी माँ का बेटा हूँ, हिंदी मेरे को सुनाता हूँ। अभी मुनव्वर राणा का जिक्र हुआ था कि मुनव्वर राणा ने अपनी सारी सफलताओं का श्रेय अपनी माँ को दिया था और हर चीज़ को लोग कहते थे कि सब, जब उर्दू का शायरी में सब सनम के बारे में बात करते थे, महबूब के बारे में बात करते थे, तब मुनव्वर राणा ने अपनी माँ के बारे में लिखा था और कहा था कि जब महबूब सब कुछ हो सकता है तो माँ क्यों नहीं हो सकती है। लेकिन मैं आज मैं अपने सनम को वो नहीं कह रहा हूँ जो एक मामूली जो समझा जाता है कि हाँ भाई किसी के प्रेम हुआ, किसी को देख के आप उसकी तरफ आकर्षित हुए, वो मेरा सनम हो गया। वो सनम हर कुछ होता है जिसको देख के आप उसे पाने की इच्छा रखते हो। कोई जिंदगी में सफल होने का इच्छा रखता है तो उसका सफल सनम जो हुआ उसकी सफलता हो गई। तो मैं जब जिंदगी के ऐसे मुकाम पे था जहां पे मुझे हर तरफ अंधेरा छाया हुआ दिख रहा था, मैं जब जिंदगी में हताश था, थोड़ा सा निराश था, तब मैंने वक्त से अपने उस सनम को मांगने की गुजारिश की और मैंने अपने हौसले पर वो लिखा था कि मेरा जो सनम है, मेरा जो सफलता है वो आएगा, हो सकता है तुम ही थोड़ा जल्दी जा रहे हो। तो मैंने उस वक्त से दरखास्त की थी, वो दरखास्त अगर आप तक पहुंच जाए तो आप तालियों से उसको स्वागत करना कि ए वक्त तू आगे ही बढ़ता क्यों चला है जा रहा, ए वक्त तू आगे ही बढ़ता क्यों चला है जा रहा, थोड़ा रुक जा, थोड़ा थम जा, मेरा सनम है आ रहा, मेरा सनम है आ रहा। वक्त से बेवक्त होने में उसे आनंद नहीं, पर न जाने इस वक्त क्यों वो वक्त का पाबंद नहीं। लगता है इस मिलन की वक्त में वो वक्त से शर्मा रहा, आ रहा वो, आ रहा वो, चला है आ रहा। उसके बाद तो वक्त जो है सो बड़ा जुल्मी है, रुकता तो है नहीं, वो आगे ही बढ़ता चला जाता है। तो मेरी जो ये दरख्वास्त थी वो थोड़ा गुस्सा में बदलता है और मेरा जो अपना रुआब है, अपना जो जोश है, वो मैं उसे दिखाने की कोशिश करता हूँ कि भाई तू क्या है, मैं तुम्हें आज तुम्हारी औकात दिखाता हूँ, तू वक्त ही है ना, मैं हूँ। अपना जोश, अपने हौसले के भी बारे में लिखता हूँ कि ए वक्त तू तो ये बता, सुनता है तू किसका कहा, ए वक्त तू तो ये बता, सुनता है तू किसका कहा, क्या तू किसी की सुनता भी है या मानता अपना कहा, अगर किसी की सुनता है तो नाम तू उसका बता, मैं जाऊंगा वहां भी जाऊंगा उसकी पनाह, मांग लाऊंगा मैं फिर तेरे रुकने की वजह, तू मांग लाऊंगा मैं फिर तेरे रुकने की वजह, तू आगे कैसे बढ़ेगा तू आगे तभी बढ़ेगा, मेरा सनम जब आएगा। उसके बाद अगली लाइन है कि मेरे भरोसे के नाम है, आप लोग के भरोसे के नाम है कि ए वक्त तू मेरे सनम पे मेरी तरह एतवार कर। अपने हौसले के नाम में लिखता हूं कि भाई मुझे अपने हौसले पे यकीन है कि हाँ मेरा हौसला आएगा, तू आगे बढ़ रहा है, तू रुक जा, मेरा सनम आ रहा है। वो कहता हूं कि ए वक्त तू मेरे सनम पे मेरी तरह एतवार कर, थोड़ा रुक जा, थोड़ा थम जा, इंतजार कर, तू इंतजार कर। नुकसान तेरा जो भी होगा तेरे रुकने की वजह, गुनहगार तेरा रहूंगा चाहे देना जो सजा, पर फिर भी न जाने तू क्यों आगे बढ़ता ही चला जा रहा, मेरी विनती सुन ले तू, उपकार होगा तेरा बड़ा, मेरी विनती सुन ले तू, उपकार होगा तेरा बड़ा, थोड़ा रुक जा, थोड़ा थम जा, मेरा सनम है आ रहा, मेरा सनम है आ रहा। अगर थोड़ी सी और इजाज़त हो संदीप भाई, ओके, तो इसी सब शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और यहाँ पर आए हुए तमाम लोगों को मैं अपना शुक्रिया कहना चाहूँगा कि ये बहुत अच्छा मंच है। आगमन कोलकाता को मैं शुक्रिया कहना चाहूँगा कि यहाँ नए कविताओं और नए कवियों को ये जो है सो एक मौका दे रहे हैं अपनी बात को कहने का, अपनी भाषाओं को रहने का। थैंक यू। और अंतिम में बस शुक्रिया।